आपसे दो सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए, पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है, आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजो। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत, एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है, मृत्यु होती है, तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण, या बहुत किए संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है, जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार हम अगर लापरवाही करेंगे, या कोई देवयोग बन गया, या कोई रोग बन गया, और उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तन भी, हमने शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए, वरना उसको कष्ट पहुंचता, शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है, और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है, और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं, और बात ये नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र और ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें तो उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटता है, तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम गुरु जी। हाँ, जय श्री राम गुरु जी। मेरी मम्मा भी पिछले साल यहाँ। आप एक ही घर से हैं ना? नहीं, मगर हाँ। सवाल इन्हीं के जैसा था, इसलिए मैं इनके पास आ गई। हाँ, सवाल बहुत धैर्यता के साथ बोलें, आप रोएंगी तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा, प्रश्न नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मा आई थी यहाँ पर, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1 महीने के बाद ही वो यहाँ अचानक से चली गई। वो गुरु जी, वो ठीक है, मेरा मेरे घर में गई है तो मुझे चैन नहीं आता, मेरे को समझ आता है। आपकी कौन थी वो? मम्मी। बहन, देखो बात बहुत गंभीर है, और निश्चित रूप से ये कष्ट है कि माताजी का शरीर पूर्ण हुआ, इसमें कोई संदेह, पर इस घर में जाएं या उस घर में जाएं, जाएंगी तो आपके ही घर से। ये मन से आप दुख त्याग दो कि आपके घर से गई, कौन दो घर तुम्हारी, उस घर से जाती है, इस घर से शरीर का आना जाना लगा। देखो बात हम ये कह सकते कि बात बोलने की अलग है, पर समझने की बात अलग है। जब जिस पर बीतती है तो वो भूल जाता, जैसे आप भूल गई। आपके भी पड़ोस में कोई खत्म हो जाए तो आप यही समझाओगी जो हम समझा रहे, कि भाई जाता रहता है, आने जाने का काम है, इस पे भैया आप रो मत, वो तो भगवान की इच्छा है, उस पर किसी का बस नहीं। पर यही ज्ञान देने वाले के घर में जब कोई मरता है तो फिर वो यार भूल जाता है, तो ये सिद्धांत है। इसलिए हम आपको ये बात बहुत तार्किक रूप से बोलें कि जो तो गया है
उसमें आप दो सपना ना माने, क्या दो, तुमने तो मारा नहीं उन्हें, तो फिर काहे को अपना दोष बना करके बोझ लेकर जी रही हो। संसार में आना जाना लिखा ही है, आपको हमको जाना। पर गुरु जी, उनका जाने का कोई सबब तो होता है? जाने का, वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उनको उसका कारण के लिए दरबार में बैठना, ये विषय दरबार का है, ठीक है, धन्यवाद।